दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अब अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केवल करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी एंकर को भी अपना दीवाना बना लिया है। जहां पाकिस्तान के मशहूर स्पोर्ट्स एंकर ने अब मोहम्मद सिराज की तारीफ के पुल बांधते हुए जो बयान दिया है वो पाकिस्तानियों से लेकर श्रीलंका के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेगा। तो आखिर कौन है वो खूबसूरत बला जो हुई है मोहम्मद सिराज की दीवानी? ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने सिराज को सिराखों पर बिठाते हुए, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 का यह फाइनल मुकाबला सालों तक मोहम्मद सिराज के नाम से याद किया जाएगा। जहां इस सितारे ने अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी और महज चंद ओवरों में ही भारतीय टीम को डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के सामने जीत दिलाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसे कोई भी कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज तो स्वयं यमराज बनकर इस मैदान में उतरे थे, जहां टीम इंडिया के बड़े बड़े सितारों से पूरी महफिल लूटते हुए इस खिलाड़ी ने अपने नाम का डंका बजाया और एक साथ 6 लंकाई बल्लेबाजों का शिकार कर पूरी की पूरी लंका को केवल 50 रनों के शर्मनाक स्कोर पर समेटने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उनकी कातिलाना गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया फिदा हो गई। अपने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाने के साथ साथ अपनी इस आक्रामक गेंदबाजी के दौरान न जाने कितनी रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी। उनके बाद ही पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो चली थी। श्रीलंका अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। किशन और गिल ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 6 ओवरों में टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाकर इस ब्लॉकबस्टर फाइनल का चैंपियन बनाया और जीत का ताज अपने सिर पर सजाया, जिसके लिए उन्हें सुपर प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला और जीत के बाद तो ट्रॉफी भी उनके हाथों में सौंपी गई। इसके बाद तो हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, तो वहीं अब पाकिस्तानी एंकर भी उनकी दीवानी हो चली है। आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि भारत में भी जमकर सुर्खियां बटोर चुकी ज़ैनब अब्बास हैं, जिन्होंने अब टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफों के पुल बांधे। जी हाँ, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करते हुए लिखा, मोहम्मद सिराज एक कम आंखें जाने वाले गेंदबाज हैं। वो हमेशा अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और गेंद को खूब मूव करवाते हैं। हमेशा कम रन देते हैं और ऐसा भी कभी नहीं होता जब वो विकेट न निकालते हों। उन्हीं की वजह से टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत मिल पाई। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इंडिया इतनी बुरी तरीके से श्रीलंका को पीटेगी, लेकिन ऐसा हो पाया है मोहम्मद सिराज की वजह से। यदि वो नहीं होते तो हो सकता है भारत ये मुकाबला भी नहीं जीत पाती। माशाल्लाह, यदि हमारे देश में भी मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज होता तो आज हम भी चैंपियन के रूप में खड़े होते। इंडिया खुशकिस्मत है कि उनके पास सिराज जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर ही उन्हें ऐसे टूर्नामेंट दिला सकते हैं। कांग्रेचुलेशन इंडिया। तो दोस्तों, सच में मोहम्मद सिराज तो कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।